मैंने अभी एक दो वीडियो देखी जिसमें लोग कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी 11:30 बजे से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गणेश चतुर्थी 3:32 पर से सुबह से शुरू हो चुकी है और इस वक्त गणेश चतुर्थी ही चल रही है। और शनिदेव की पूजा, पीपल की पूजा, गणेश जी की पूजा, पार्वती शिव की पूजा, मैं सब पूजाएं कर चुकी हूँ और उम्मीद है आप भी कर चुके होंगे। मेन चीज़ क्या है कि आप आज का व्रत रख सकें तो ज़रूर रखें। महाराष्ट्र में तो लोग 11 दिन का व्रत रखते हैं। गणेश जी का महा उत्सव आज से 11 दिन के लिए शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में ना कुछ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी सो रहे हैं जो हमारे कर्ता धर्ता पालन हरता है, तो अब अगले 11 दिन के लिए गणेश जी इस धरती को चलाने वाले हैं। बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, खाने पीने की चीज़ें इन्हें बहुत पसंद हैं। ये आपको आपकी मनोकामना से जुड़ी हर विश को पूर्ण करते हैं। खुश कीजिए इन्हें, लड्डू का भोग लगाइए, उनके 12 नाम लीजिए, उनके सामने गणेश चालीसा पढ़िए, उनको हरी घास दूर बा अर्पण कीजिए, उन्हें जेन्यू अर्पण जरूर कीजिए, उनके सामने शिव और पार्वती के भजन गाइए, उनके सामने नृत्य करिए, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बापा मोरिया रे, किसी भी तरह से अपनी आस्था और भक्ति उनको दिखाइए और आपकी परेशानी भी दिखाइए जिससे आप गुजरे। यकीन मानिए इस बार गणपति जी आपको वो सब कुछ देंगे जो वो आप उनसे चाहते हैं। बहुत खूबसूरत दिन है आज, शनिवार का दिन और 7 तारीख केतु का की तारीख हो जाती है। और केतु से जुड़ा हुआ हमारा सबसे बड़ा उपाय होता है कुत्ते की सेवा, तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ आज कुत्ते की सेवा भी ज़रूर करें। संभव हो सके तो आज एक दिन का व्रत रखें, शाम को गणेश जी को खिलाकर खा लीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओए हुए कमेंट में जय माता।